तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमने जो है टाइबीन के अंदर जो है मसाला डालने का प्रयास कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरा जो है बेहतर तरीके से हमने जो है अच्छे तरीके से सरिये का यानी 6 सरिये का इस्तेमाल किया, और इसके साथ साथ इसमें जो है 22 जो स्टेप बाय स्टेप है उसने हमने रिंग लगा कर रखा, और इसमें जो है दोस्तों मटेरियल पूरा जा रहा है। और ये रहा दोस्तों पूरा सीन। और इसी तरह से दोस्तों टाइबीन होता है जो कुर्सी बोला जाता है, इसके अंदर जो होता है ना ये बीम जो तरीका है जो बहुत अच्छा तरीका है, ये देख सकते हैं। और ये जो सेटअप जो देख रहे हैं दोस्तों, हम पहले फर्स्ट टाइम इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सेट कर लेंगे, देन उसके बाद इसके नीचे प्लास्टिक डालेंगे। प्लास्टिक डालेंगे तो क्या होता है कि जो ईटा खराब नहीं होगा और बेहतर तरीके से ईटा निकल भी जाएगा, क्योंकि ये जमीन के अंदर हो जाता है। कुर्सी जब ढाला जाता है ना, कुर्सी का जो कॉलम होता है, कुर्सी का जब कॉलम हिला जाता है तो दोस्तों पहले से क्या होता है कि पहले सेट किया जाता है, क्योंकि आपका जो लेंथ बराबर होना चाहिए और इधर उधर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लेंथ भाग जाएगा तो जो कुर्सी का जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई होती है वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमने पूरा जो है वहां से लेके यहां तक जो है चिपिंग कर दिया है, जो कि कुर्सी का जो होता है और लकड़ी का जो फट्टा होता है उसका हमने सेटअप कर दिया है। और ये दोस्तों ये देख सकते हैं कि पूरा प्लास्टिक है, नीचे प्लास्टिक लगा दिया है, क्योंकि इससे जो मसाला जब गिरता है ना तो ईटा खराब नहीं होगा, ताकि ईटा आप निकाल सकते हैं बेहतर तरीके से। और वहां पर देख सकते हैं कि पूरा वहां से लेके यहाँ तक पूरा सेट हो गया, ये पूरा रहा। और प्लास्टिक लगाने का फायदा बहुत अच्छा होता है, बहुत मिस्त्री ऐसे होते हैं कि जो प्लास्टिक नहीं लगाते हैं और इससे ईटा खराब हो जाता है। तो ये काम स्वयं करें और ये आपको खुद करना चाहिए, जैसा कि हम लोग खुद कर रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ देखकर हम लोग यूट्यूब पर ही कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मिस्त्री इसमें कोई नहीं है, क्योंकि सारा काम जो है घर ही पे हो रहा है। ये देख सकते इतना लंबा प्लास्टिक है जो कि हमने लाया था, और ये बहुत सस्ता प्लास्टिक मिलता है, और आप मार्केट में जाएंगे तो प्लास्टिक ले लीजिएगा। और ये जो कुर्सी ढालेंगे तो जो कुर्सी ढालने का जो तरीका होते हैं सीख सकते हैं। यहाँ पर पूरा देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरा प्लास्टिक को हम लोग लगा रहे हैं, और हमारा जो है कुर्सी का जो सरिया है ये पूरा टाइबीम का पूरा हमने सेट कर दिया है, क्योंकि आप पूरा देखते आ रहे हैं। और ये पूरा रहा भाई साहब प्लास्टिक लगाने का जुगाड़, और विदेशी जुगाड़ है जो कि आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमने जो है प्लास्टिक स्टेप बाय स्टेप जितना भी खाना है उसके हिसाब से जो है हम लोग प्लास्टिक लगा रहे हैं, और नीचे जो है हमने लगा रखा है ईट, हट जाएगा तो मतलब ईटा भी सेफ रहेगा और प्लास्टिक चिपका रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये नीचे आ जाता है मट्टी के नीचे, और ये पूरा जब कुर्सी जब ढलता है तो मट्टी में ही आता है, तो जाहिर सी बात है कि 9 इंच का या जाए जो भी है चिपिंग करके आप कर सकते हैं उसके ऊपर, और आप आराम से जो है आप सेटअप कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हमने जो कितना बेहतर तरीके से ईटा भी सेफ हो जाएगा और प्लास्टिक सड़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं उसमें, और ईटा जो है सेफ निकल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा तरीके से जो है ना जबरदस्त तरीके से जो है पूरा प्लास्टिक पूरा बिछाया जा रहा है। और ये पूरा रहा सीन, ये काम खुद भी घर पे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात टेक्निक नहीं है और बहुत बड़ा इंजीनियरिंग नहीं है, इसमें आप देखकर ये वीडियो देखकर भी आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। और आप चाहें तो आप, अगर आपके पास नॉलेज है या नहीं भी है, तो तमाम ऐसे हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब मिल जाएंगे जो कि आप घर पर ही ये सब काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और आप पैसा बचा सकते हैं। तो ये जो देख सकते हैं कि दोस्तों मसाला हम लोग रेडी करने वाले हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं सीमेंट है और इसमें बालू है, बस 2 मटेरियल, और बाकी जो है आप इससे ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि पूरा हम लोग तैयार कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और ये काम खुद घर पे भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको पैसा बचाना होगा तो आप बचाइए, अच्छे तरीके से काम करिए। बाकी देखिए शुरू से मैं आखिरी तक आपको पूरा वीडियो दिखाते आ रहा हूँ मैं किस तरीके से हम लोग खुद घर पे ही ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई लेबर नहीं है, घर के हैं। और बाकी ये पूरा देख सकते हैं नज़ारा, और आ गई है बारी अब रेडी करने की। ये देख सकते हैं कि मसाला जो हमारा रेडी हो रहा है, ये देख सकते हैं कि हमने जो है ज़्यादा पानी भी नहीं डाला है, और ये देख सकते हैं कि बस मीडियम डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पानी तरह के मसाला हो जाएगा, क्योंकि अब कुर्सी के अंदर जो ढालने का जो मसाला जो होता है वो मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, ताकि जो है उसमें पकड़ ले और अच्छे तरीके से जो है इसका जो कालम का जो जैसे बनता है वैसे कुर्सी का भी जो है अच्छे तरीके से बीम जो है तैयार हो जाए और पूरा बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। बालू रेड कलर का लाल बालू गिट्टी और इसे सी गोल्ड प्लस, ये पूरा पकड़ेगा इसमें, क्योंकि भरा जाए कुर्सी। ये जो कुर्सी का सिस्टम जो है हमने सेटअप कर दिया है, अब इसका हम लोग बर्तन चालू करते हैं अभी, उसके बाद पूरा दिखाते हैं पूरा आपको। ये रहा पूरा वहाँ तक पूरा सेट किया गया है, वहाँ तक देख सकते हैं, ये पूरा लोकेशन है यहाँ से लेकर वहाँ तक। उसके बाद गिट्टी की बारी है, नहीं।
अब इसी के अंदर कालम के अंदर जो है ना हम लोग डालेंगे मटेरियल को और ये पूरा रहेगा बेहतर तरीके से। हमने जुगाड़ भी लगा दिया है पूरा अच्छे तरीके से और ये पूरा इसमें हम भरेंगे पूरा कुर्सी के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं कि मसाला भी वहाँ बन रहा है तो रेडी है। अब उसके बाद डालना शुरू कर देंगे बहुत बेहतर तरीके से, खतरनाक तरीके, बहुत ईजी तरीका, आसान तरीका है। ये पूरा हमने सेटअप कर दिया है, उसके बाद जो है अब डालेंगे मसाला। मसाला डालने के बाद जो है इसकी अब भरपाई करते हैं और वहाँ पीछे देख सकते हैं वहाँ पर मसाला बन रहा है ना, मसाला बन रहा है। अब फाउंडेशन देख ही सकते हैं कि वहाँ पर जो है बन रहा है एकदम। और उसके बाद हमने सेटअप भी कर दिया लकड़ी जो होता है ना, और उसके बाद वहाँ पर देख सकते हैं कि मसाला सब रेडी हो गया है। और ये पूरा अपना लोकेशन ये देख सकते हैं।
24 घंटा के अंदर में ये पूरा पका है कुर्सी का। अब वहाँ पर सेट कर रहे हैं, वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर सेटिंग हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर डालना है आज। और ये वाला गाले का पूरा डालेंगे। और ये हो गया है 24 घंटे के अंदर में टोटल, ये देख सकते हैं पूरा 24 घंटे में पूरा ये कुर्सी वाला सिस्टम पका है। आज है दूसरा दिन। अब ढालना शुरू करेंगे आज इसको भी आज कंप्लीट तरीके से। तो देख सकते हैं कि और ये गोल्ड कमाल, ऐसे से गोल्ड जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, पकड़ लेता है। और फट्टी भी हमने निकाल दिया है यहाँ पर देख सकते हैं, और इस साइड फट्टी लगी हुई, इसको भी निकाल लेते हैं अभी। जस्ट निकालने के बाद उसमें सेट करेंगे, सेट करने के बाद जो है यहाँ पर पूरा हो जाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं आप इस वीडियो में। तो पूरा दिखाता हूँ, पूरा ब्लॉग में बने रहिए आप हमारे ब्लॉग के साथ, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिएगा आप लोग। ये देखो भाई साहब मोर जा रही है, मोर क्या बात है, शानदार। थोड़ा और जूम करता हूँ मैं, ये देखो मोर, हमारे खेत में ही मोर है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए छुपके छुपके जा रही है, ये देखो उधर गई, ये आने वाली, ए ए ए, ये देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा और जूम करता हूँ, ये देखो मैंने 100 पर कर दिया है, क्योंकि मेरे पास जूम की क्वालिटी इतनी है, उतनी ख़ास नहीं है, क्योंकि मेरे पास सैमसंग S23 अल्ट्रा नहीं है कि जो कि मैं अच्छे से जूम कर पाऊँ।